यहाँ पे आपके पास यूनिट नंबर 3, हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरी कवर कर ली है, और यूनिट नंबर 3 जो है हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी से, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस ग्रिड्स। तो हमारे पास जो कंप्लीट पावर सिस्टम है, और इन पावर सिस्टम वी हैव नेशनल ग्रिड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऐसे ही हमारे पास स्टेट ग्रिड्स हैं। तो ये जो ग्रिड्स हैं दे आर सिंक्रोनस ग्रिड्स बिकॉज दे आर वर्किंग एट 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हमें मेंटेन करके रखना होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स आर वर्किंग एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है, व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, न्यू टॉपिक। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एबिलिटी है पावर सिस्टम की कि कभी भी अगर डिस्टर्बेंस आए कोई, ठीक है, तो पावर सिस्टम अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर पावर सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो पावर सिस्टम अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट जाए, और उसको हम कहते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। सो हमारे पास पावर सिस्टम है, और ये पावर सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है स्टेबल कंडीशन में। नाउ क्या हुआ कि कोई अनस्टेबल कंडीशन आ गई या कुछ नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं रहा जैसे फॉल्ट, ठीक है, या सिस्टम में लोड्स का जो हमारा सिस्टम के ऊपर लोड था वो सडनली इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से हमारी पावर की सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन हमारा पावर सिस्टम कैपेबल होना चाहिए कि वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट जाए, ठीक है, यानी कि जो जनरेटर्स वर्क कर रहे हैं जिनको पावर डिलीवर करनी है वो अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में दोबारा से लौट जाए विदाउट फॉलिंग आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो स्टेबिलिटी है उसमें हमें सिंक्रोनस ऑपरेशन को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम, इसमें क्या है, मेंटेन, ठीक है, मेंटेन सिंक्रोनस ऑपरेशन। तो पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी का मतलब है कि सिंक्रोनस ऑपरेशन को हमेशा मेंटेन करके रखना है, बिकॉज होल ग्रिड, जो भी पावर सिस्टम में हमारी टोटल ग्रिड है वो सिंक्रोनस में काम कर रही है। अगर सिंक्रोनस लॉस होता है, ठीक है, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी वे में पावर सिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो तीन तरीके से डिफाइन की गई है, थ्री टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटीज। नंबर वन इज स्टेडी स्टेट, नंबर टू इज डायनेमिक, एंड नंबर थ्री इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, तीन स्टेबिलिटीज हैं, कौन कौन सी? दुर्गेश, भगवती, सुरभि, अभिषेक, सर एक तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, हाँ, पहली स्टेडी स्टेट, दूसरी डायनेमिक, और तीसरी ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो इसको यहीं पर लर्न कर लो, ठीक है, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, सो नंबर वन स्टेबिलिटी है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो लेट्स सी व्हाट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी जो है वो रिलेट करती है सिस्टम के रिस्पॉन्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन टू अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता सकता हूँ कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, रिलेट करती है किसके साथ, अगर सिंक्रोनस मशीन पे, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन पे ग्रेजुअल लोड इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लोड है। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को। इसमें क्या होता है,
ये जैसे हमारा जनरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो जनरेटर उतनी ही पावर डिलीवर करता है जितना हमारा लोड होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली लोड इंक्रीज करने लग गया और एक पॉइंट आया कि जनरेटर एक पॉइंट से ज़्यादा लोड ट्रांसफर नहीं कर सकता है, या फिर दैट विल बी द मैक्सिमम लोड पॉइंट फॉर द जनरेटर। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या हुआ कि जो हमारी सिंक्रोनस मशीन है या जनरेटर है उसकी हमने अपर लिमिट डिटरमाइन कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट लिखा भी है कि इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मशीन लोडिंग, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है उसका यहाँ पे अपर लिमिट डिफाइन होती है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट लिमिटेड, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रिपल एस है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अपर लिमिट ऑफ मशीन और सिस्टम, ठीक है। तो अपर लिमिट ऑफ मशीन और सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करी जाती है कि भाई हमारा जनरेटर जो है वो कितना लोड ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डायनेमिक स्टेबिलिटी की तरफ। तो डायनेमिक जो स्टेबिलिटी है वो हमारी किस पे कंसर्न करती है, इट कंसर्न अबाउट स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस दैट अकर टू द सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि भाई स्मॉल डिस्टर्बेंसेस दैट अकर ऑन द सिस्टम। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको हाईलाइट ऐसे कर सकते हो कि भाई डायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमारी किससे कंसर्न करती है, स्मॉल डिस्टर्बेंसेज है, ठीक है। और ये स्मॉल डिस्टर्बेंसेज हैं क्या, जो भी हमारे पास सिस्टम के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स लगे हैं, ठीक है, लाइक आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोलर, ठीक है, तो उनके इंटरकनेक्शन की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई डायनेमिक स्टेबिलिटी कंडीशन आ सकती है। द सोर्स ऑफ दिस इनस्टेबिलिटी इज यूजुअली एन इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम्स कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे सिलेबस में। आगे आप देखोगे तो इन योर सिलेबस यू आर हैविंग कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आपको इन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ना है, पर बिफोर दैट अभी आपको क्या पढ़ना है कि स्टेबिलिटी के बारे में। ये जो डायनेमिक स्टेबिलिटी है सिस्टम में, ये कुछ 10 से 30 सेकंड के लिए डिस्टर्ब कर सकती है सिस्टम को। तो यहाँ पे लिखा है द सिस्टम रिस्पॉन्स टू द डिस्टर्बेंस मे नॉट बिकम एपरेंट फॉर सम 10 to 30 seconds। तो मैक्सिमम 10 to 30 seconds के लिए अगर कभी डायनेमिक इनस्टेबिलिटी कंडीशन आती है तो 10 to 30 seconds के लिए परसिस्ट करती है इन योर सिस्टम। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, थर्ड है यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जनरली जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है वो कि मशीन कितने हाईएस्ट पॉइंट पे या कितना मैक्सिमम लोड डिलीवर करेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डायनेमिक स्टेबिलिटी जो कि 10 से 30 सेकंड है, तो टाइम लिमिट हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको इस पीरियड के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांजिएंट फिनोमिना अगर कभी होता है सिस्टम में, ठीक है, तो अगर कभी वो ट्रांजिएंट फिनोमिना आता है तो इट दे विल लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड, और मे बी आप कह सकते हो कि 2 से 3 सेकंड के लिए ही ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, और इतनी देर में आपका जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम है इट विल लॉस सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का मतलब है कि कभी लार्ज डिस्टर्बेंस आ गए कि फॉल्ट आ गया, ठीक है, सिस्टम में आपके फॉल्ट आ गया, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जनरली आपकी फॉल्ट्स से कंसर्न करती है रिस्पॉन्स टू द लार्ज डिस्टर्बेंस विच में कॉज रैदर लार्ज चेंजेस इन रोटर स्पीड, पावर एंगल एंड पावर ट्रांसफर। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज अ फास्ट फिनोमिना यूजुअली एविडेंट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज अ वेरी फास्ट फिनोमिनन, ठीक है। अभी तक जो हमने ये देखा टॉपिक उसमें किसी को कोई डाउट कुछ भी समझ में नहीं आया हो? भगवती सुरभि दुर्गेश नहीं? यस सर, आ गया समझ। ओके,
अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज डायनेमिक स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है बता सकते हो आप लोग? स्मॉल चेंजेस की वजह से, ठीक है, सिस्टम में स्मॉल चेंजेस की वजह से, तो स्मॉल चेंजेस की वजह से सिस्टम में डायनेमिक स्टेबिलिटी हो सकती है, जो कि है कि इनस्टेबल कंडीशंस बिटवीन इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, और स्टेडी स्टेबिलिटी की जब लोड आपका धीरे 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 इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, और ट्रांजिएंट फिनोमेना ड्यू टू लार्ज डिस्टर्बेंसेज लाइक फॉल्ट्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी बेसिक्स, ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को लेकर के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इन योर सिलेबस, दैट इज स्विंग इक्वेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस। अब ये स्विंग इक्वेशन क्या होती है इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सो यहाँ पे ये सबको दिख रहा है, पीडीएफ विजिबल है सबको? यस सर। तो बेसिकली जो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन्स में जब रोटेट करती है तो सिंक्रोनस मशीन वेन एवर अ मशीन रोटेट्स, ठीक है, या रोटर रोटेट करता है तो रोटेशनल मोशन है वहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द फिनोमिना, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है आप जो बता सकते हो मेरे को? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आप लोगों को पता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, तो हाफ एम आप यूज करते हो जब आपका मोशन कैसा होता है, ट्रांजिशनल मोशन होता है, यानी कि लीनियर मोशन, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, वेन एवर दैट टाइप ऑफ कंडीशन कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो आप लगाते हो ट्रांजिशनल मोशन, और वहाँ पे इक्वेशन होगी काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम होगा उसका मास और वी होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, पहले से पता है आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग मशीन की, ठीक है, तो जब भी रोटेटिंग मशीन हमारे पास आएगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो होगी हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, क्या होगी, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें जो जे है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, मास की तरह, तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका जो मास होता है इट विल बी कन्वर्टेड टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि जे का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड ओमेगा एस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी जो यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट इसकी क्या है, आपकी मैकेनिकल रेडियंस पर सेकेंड, लेकिन बाद में हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड में, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है, तो आपको फिलहाल इतना देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो आपको पता है इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, और जब रोटेटिंग मशीन है तो इट इज हाफ जे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोटर काइनेटिक एनर्जी एट सिंक्रोनस स्पीड, अब क्या है जो रोटर है हमारा वो सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है रोटर के अंदर वो हमने कुछ इस फॉर्मूले से डिफाइन करी, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है, बट दिस सिंक्रोनस स्पीड इज इन मैकेनिकल रेडियंस, ठीक है, और मैकेनिकल रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई एक इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ जे ओमेगा एस मैकेनिकल स्क्वायर, ठीक है, और ये 10^-6 से मैंने इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मेगा जूल्स में, वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जूल्स में आएगी, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इन, अगर हम मेगा जूल्स में ले रहे हैं तो हमें 10^-6 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना यू नो कि एनर्जी किस में होती है, जूल्स में होती है, ठीक है, फिलहाल आप इस इक्वेशन को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है दैट इज हाफ
जे जो कि मास की तरह एक्ट कर रहा है, ओमेगा रोटर की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर चल रहा है तो ओमेगा एस, और फिलहाल जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी यहाँ पे बिकॉज इट इज एन मैकेनिकल फॉर्म तो हम यहाँ पे लेंगे मैकेनिकल रोटर स्पीड। तो मैकेनिकल रोटर स्पीड क्या है, सिंक्रोनस मैकेनिकल रोटर स्पीड ओमेगा एस एम या फिर ओमेगा एस मैकेनिकल आप कह सकते हो, 10^-6 से हमने मल्टीप्लाई किया मेगा जूल लिखने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है इतनी इक्वेशन? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जो जे है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंक्रोनस स्पीड मैकेनिकल रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। अगर हमें मैकेनिकल रेडियंस को इलेक्ट्रिकल रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ने सिंक्रोनस मशीन से पढ़ा भी होगा, है ना, थीटा ई इज इक्वल टू पी बाय टू थीटा एम, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो स्पीड है इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड में अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है तो मैं उसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय टू, नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय टू। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय टू। तो जो भी हमारी स्पीड है मैकेनिकल में उसको अगर मुझे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो उसे मैं पी बाय टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, रोटर स्पीड इन इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड। देन हमने क्या किया, इस ओमेगा एस मैकेनिकल को जहाँ पे भी ये ऊपर वाली इक्वेशन में था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, अब इसको इलेक्ट्रिकल रेडियंस में डाल दिया। तो ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय पी ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, हाफ जे टू बाय पी स्क्वायर ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और ओमेगा एस स्क्वायर है तो ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल एक बाहर भी आ गया और 10^-6, ठीक है। तो इक्वेशन वैसे ही है, ओनली ओमेगा एस को यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट्स पे लिख लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये इसको मैं बेसिक्स में जाऊँ तो आपको बेसिक्स में इस तरीके से समझा सकता हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, और ये होता है जे मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है। यानी कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का उसको हम जब उसकी एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी आर हैविंग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एम इज इक्वल टू जे ओमेगा एस। तो हमने क्या किया, जे ओमेगा एस वन पार्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया बाय एम, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला आपके पास ऐसे दिखता है आपको कि इट इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम ओमेगा एस। अगर ये समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़े। यस सर, आगे है ना। कैपिटल एम का मतलब है मोमेंट ऑफ सॉरी कैपिटल एम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम जे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ जे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इफ कैपिटल एम के बराबर है तो ये काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं अपने रोटर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो जो हमारा रोटर का कॉन्सेप्ट है जब हम स्पेस को यूज़ करते हैं देन वी आर हैविंग अ इक्वेशन लाइक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन वैसी ही है जैसी इक्वेशन हम बेसिक्स मैकेनिकल में देख रहे हैं। तो ये बेसिक मैकेनिकल आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। और जो आपका फाइनल यहाँ पे रोटर डायनेमिक्स के लिए जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो कैपिटल एम है, अब वो कैपिटल एम क्या है, जे मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल मल्टीप्लाइड बाई 10^-6, और ये सबका मेगा जूल्स सेकेंड्स पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन यूनिट्स में कंफ्यूज हो सकते हो, एक बार से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हमने मेगा जूल्स में ली है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मेगा जूल सेकेंड्स पर इलेक्ट्रिकल रेडियंस में आपको आपके मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है इनर्शिया कांस्टेंट।
कोई भी कोई जो जो हमारे हमारे पास पास सिंक्रोनस सिंक्रोनस मशीन मशीन है है जो जो कि कि सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड स्पीड पे पे वर्क वर्क कर कर रही रही है। है अगर अगर वो वो सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड स्पीड पे पे वर्क वर्क करती करती है है तो तो इट इट विल विल स्टोर स्टोर सम सम काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑब्वियसली ऑब्वियसली रनर्स। रनर्स। कोई कोई भी भी बॉडी बॉडी अगर अगर मूव मूव करती करती है है तो तो उसके उसके अंदर अंदर कौन कौन सी सी एनर्जी एनर्जी होती होती है? है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो तो ऐसे ऐसे ही ही अगर अगर हमारा हमारा रोटर रोटर रिवॉल्व रिवॉल्व कर कर रहा रहा है है रोटेशनल रोटेशनल मोशन मोशन में में तो तो इट इट विल विल हैव हैव सम सम काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। और और वो वो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी क्या क्या करेगा? करेगा? स्टोर स्टोर करेगा। करेगा। ठीक ठीक है। है। सो सो एनर्जी एनर्जी स्टोर स्टोर यहाँ यहाँ पे पे एक एक चीज़ चीज़ लिखिए लिखिए कि कि मशीन मशीन की की एक एक अपनी अपनी रेटिंग रेटिंग होती होती है है जिसको जिसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं मशीन मशीन की की एमवीए एमवीए रेटिंग। रेटिंग। और और एमवीए एमवीए रेटिंग रेटिंग के के हिसाब हिसाब से से कोई कोई भी भी मशीन मशीन कितनी कितनी एनर्जी एनर्जी स्टोर स्टोर करती करती है है उसको उसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं अपना अपना इनर्शिया इनर्शिया कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक ठीक है, है, समझ समझ में में आई आई बात? बात? मैंने मैंने क्या क्या बोला? बोला? मैंने मैंने बोला बोला कि कि कोई कोई भी भी मशीन मशीन कोई कोई भी भी सिंक्रोनस सिंक्रोनस मशीन मशीन अपनी अपनी रेटिंग रेटिंग एमवीए एमवीए रेटिंग रेटिंग के के हिसाब हिसाब से से कितनी कितनी एनर्जी एनर्जी स्टोर स्टोर करती करती है? है? कितनी कितनी आप कह सकते हो कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है वो हम कह सकते हैं क्या है यहाँ पे? इनर्शिया कांस्टेंट। तो इनर्शिया कांस्टेंट क्लियर है? व्हाट इज इनर्शिया कांस्टेंट? यस सर। तो बताओ क्या है इनर्शिया कांस्टेंट? सर कोई भी सिंक्रोनस मशीन जितनी काइनेटिक एनर्जी अपने रेटेड एनर्जी स्टोर करती है वो इनर्शिया कांस्टेंट होता है। कोई भी सिंक्रोनस मशीन अपनी एमवीए रेटिंग है ना, अपनी रेटेड एमवीए रेटिंग के हिसाब से कितनी एनर्जी स्टोर करती है, कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है उसको हम कहते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सो अगर इस इनर्शिया कांस्टेंट को, ठीक है, मैं यूज़ करूं आगे अपनी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, एक्चुअली क्या है, वी आर डेराइविंग स्विंग इक्वेशन, तो धीरे धीरे आप समझते जाओगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऊपर है ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो एच इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल्स डिवाइडेड बाय मशीन रेटिंग इन एमवीए। ये मेगा जूल्स और एमवीए जो है ये एज इट इज आपको यही यूनिट्स में लेना है, तभी आपका जो एच है वो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ जी बेस। जी का मतलब हमेशा एमवीए रेटिंग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एमवीए रेटिंग इज द जी बेस। तो अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी स्टोर्ड क्या है इन द मशीन, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? एच मल्टीप्लाइड बाय मशीन रेटिंग, और मशीन रेटिंग इज जी। तो मैंने लिख दिया कि एनर्जी स्टोर्ड इज जी मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो मशीन है वो हमारी एनर्जी स्टोर कर रही है। ठीक है, जी मल्टीप्लाइड बाय एच एज पर दिस फॉर्मूला। ठीक है, और जो हमारी मशीन है वो वही मशीन जो हमारी है वो प्रीवियसली वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी स्टोर के साथ। तो वी आर कंपेयरिंग काइनेटिक एनर्जी विथ एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है मशीन की, हाफ मोमेंटम एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू बेस एम वी ए मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, और फ्रॉम दिस फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में आपको कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी उसका एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज फॉर एम। नंबर वन, जी एच डिवाइडेड बाई पाई एफ। ये कैसे आया? सॉरी, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू जी एच डिवाइडेड बाई ओमेगा एस, ओमेगा एस इज टू पाई एफ, टू से टू कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी एच डिवाइडेड बाई पाई एफ, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेगा जूल्स सेकेंड्स पर इलेक्ट्रिकल पर मैकेनिकल रेडियंस। ठीक है, ये मैकेनिकल रेडियंस है, सॉरी, और अगर इसी को हम कन्वर्ट करना सॉरी नहीं, ये रेडियंस में है, इलेक्ट्रिकल रेडियंस में, अगर इसको हमें इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू यूज 180 डिग्री। तो पाई की जगह पे 180 डिग्री अगर चेंज हो जाएगा तो मेगा जूल्स सेकेंड्स पर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में ये हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया किसका, कैपिटल एम का। इसी को हम अपने मशीन के कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं, तो इन अवर मशीन्स कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने
काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ कैपिटल एम मोमेंटम ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल, जो कि हमने इलेक्ट्रिकल रेडियन इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है. अब ये काइनेटिक एनर्जी हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इनर्शिया कॉन्स्टेंट के साथ. तो जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वो है हाफ एम ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल मेगा जूल्स. यहाँ पे सेम चीज़ है कि जी क्या है, थ्री फेज एम वी ए रेटिंग और बेस ऑफ द मशीन एंड इनर्शिया कॉन्स्टेंट मेगा जूल पर एम वी ए. तो मेगा जूल पर एम वी ए कह सकते हो या फिर मेगा वॉट सेकेंड्स पर एम वी ए, ठीक है. तो इसकी दो यूनिट्स हैं, मोस्ट कॉमन यूनिट इज मेगा जूल पर एम वी ए, आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा. पर डोंट कन्फ्यूज विद मेगा जूल सेकेंड मेगा वॉट सेकेंड पर एम वी ए. तो मेगा जूल पर एम वी ए इज द यूनिट फॉर इनर्शिया कॉन्स्टेंट. नाउ आपने ये दोनों फॉर्मूले भी देख लिए कि एम यहाँ पे किसके बराबर होगा, जी एच डिवाइडेड बाय पाई एफ, यूनिट होगी मेगा जूल सेकेंड्स पर इलेक्ट्रिकल रेडियंस. और अगर हम यूज़ करें 180 एफ तो यूनिट होगी हमारी मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री. यहाँ पर ये जो एम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया कॉन्स्टेंट और बिफोर वी आर टेकिंग इट एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को अपने मोमेंट अपने एनर्जी स्टोर के साथ, तो हमारे पास एक और कॉन्स्टेंट निकल के आ रहा है इनर्शिया कॉन्स्टेंट, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं. अगर हम इसको पर यूनिट में लिखना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बेस एम वी है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब हम कैपिटल एम को जी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय पाई एफ. तो यहाँ पे देख सकते हो एच डिवाइडेड बाय पाई एफ. अब थोड़ी सी यूनिट चेंज हो जाएगी बिकॉज आपने उसको डिवाइड किया है एम वी ए से, ठीक है. तो सेकेंड स्क्वायर पर इलेक्ट्रिकल रेडियंस, इस तरीके से यूनिट आ जाएगी. और यहाँ पर भी जी से डिवाइड होगा तो ओनली देर इज अ डिफरेंस इन यूनिट, ठीक है, ऊपर से जी हट जाएगा, ठीक है. ये समझ गए आप लोग अभी तक यहाँ तक. भगवती, सुरभि, अभिषेक, मनीषा, यस सर, यस सर, यस सर. तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज दी हुई है इनर्शिया कांस्टेंट की, कि जो इनर्शिया कांस्टेंट है वो एच से ही डिफाइन होता है हमारा सिस्टम में. और आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन्स हैं यहाँ पे. जैसे आप कह सकते हो सिंक्रोनस टर्बाइन्स, जो कि है फॉर टर्बाइन के लिए हम इनर्शिया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं मशीन्स में. तो टर्बाइन जनरेटर है यहाँ पे, सेट है, कंडेंसिंग टाइप है और नॉन कंडेंसिंग टाइप है. तो उसके लिए यहाँ पे अकॉर्डिंगली इनर्शिया कांस्टेंट लिखा हुआ है. ये इनर्शिया कांस्टेंट क्या है कि मशीन अगर हमारी एनर्जी स्टोर कर रही है तो जब भी कोई सडन चेंज आएगा सिस्टम में तो ये इनर्शिया कांस्टेंट ही हेल्प करेगा उस सडन चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है, या उस सडन चेंज से बचने के लिए, ठीक है. तो आप लोग समझ गए कि इसकी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं या इसका क्या रोल है सिस्टम में, सिंक्रोनस मशीन में ये जो इनर्शिया कांस्टेंट है या कितनी एनर्जी मशीन स्टोर कर रही है एज़ पर द एम वी ए, ये हमें रिक्वायर रहेगा. क्यों? क्योंकि जब भी सिस्टम में अगर कोई चेंज आए, मान लो कि जनरेटर हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और जनरेटर सम लोड डिलीवर कर रहा है, कुछ वैल्यू ऑफ लोड जनरेटर डिलीवर कर रहा है, तो अगर लोड कभी भी बढ़ता है, ठीक है, तो या लोड कभी भी डिक्रीज होता है तो कितना एनर्जी हमें और बढ़ानी है जनरेटर पे या कितनी एनर्जी हमें घटानी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो इस बेस वैल्यू से स्टार्ट होगी जो इनर्शिया कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है. इसको डिटेल में हम बाद में भी समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है. फिलहाल हम चलते हैं डेरिवेशन टू द अपनी इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज स्विंग इक्वेशन. स्विंग इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम एक कि एक जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ से जनरेटर पे प्राइम मूवर से एक पावर आ रही है जो है मैकेनिकल पावर, ठीक है. ये क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है किसको? जनरेटर की शाफ्ट को. ये आप सब लोगों को पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है.
इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल पावर है PM, तो वो जनरेटर पे, जनरेटर की शाफ्ट पे एक टॉर्क लगेगी जिसको हम बोलेंगे TM, और फॉर दिस टॉर्क देयर विल बी एन अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस इन द जनरेटर दैट इज कॉल्ड एज TE, इलेक्ट्रिकल टॉर्क, बिकॉज जनरेटर की जो स्पीड है वो है ओमेगा एस. तो जनरेटर पे एक पावर डेवलप होगी. जनरेटर आपका टरबाइन के साथ कपल कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब टरबाइन घूमेगी, ठीक है, और जनरेटर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा, तो जो टॉर्क होगी जनरेटर पे वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी एंड देयर विल बी पावर जनरेटेड. ठीक है, तो पावर जनरेटेड है वो PE से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे. इनपुट पावर PM से डिफाइंड है. PM आपकी मैकेनिकल टॉर्क है और TE आपकी इलेक्ट्रिकल टॉर्क है. ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज को अब समझने वाले हैं. देखो, ये एक जनरेटर है और इस जनरेटर पे ये मैकेनिकल पावर आप इंजेक्ट कर रहे हो, यानी कि टरबाइन से ये मैकेनिकल पावर आप भेज रहे हो. ठीक है, पर होता क्या है कि देर इज समहाउ ये मैकेनिकल पावर डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, ये मैकेनिकल पावर क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, या आप कह सकते हो कि हमारा जो जनरेटर था अकॉर्डिंग टू लोड वो एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा था, यानी कि जितना हमारे पास लोड था उसके अकॉर्डिंगली हम जनरेशन कर रहे थे. जब तक ये कंडीशन रहेगी सिस्टम में तो सिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा. वो तराजू वाला सिस्टम मैंने आपको एक पहले भी बता रखा है. ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है सिस्टम में. नाउ अगर मैकेनिकल इनपुट पावर कभी भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज होना है, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकती बिकॉज सिस्टम जो भी हमारा जनरेटर है उसका एक इनर्शिया है. तो जब हमारा जनरेटर एक फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी और अपने इनर्शिया के साथ घूम रहा है, तो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा. न्यूटन्स कौन सा लॉ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों में से कौन सा लॉ है वो? कौन बताएगा? सुरभि? क्या सर? सर एक बार फिर से रिपीट करना. हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. ये स्क्रीन पर जनरेटर दिख रहा है आपको? यस सर. देखो, ये जनरेटर एक फिक्स सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है. ठीक है, एक मैकेनिकल पावर इसको टरबाइन से मिल रही है, टरबाइन इसको घुमा रही है और उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है. इतनी बात तो आपको समझ में आ गई. ठीक है, अब मैंने बोला कि इसी जनरेटर पे क्या हुआ कि लोड की वैल्यू चेंज हो गई समहाउ. ठीक है, ज़्यादा लोड आ गया. ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल पावर है यहाँ पे PM, ये भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, अगर ये पावर चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल पावर को भी लोड के अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा. जितना लोड आएगा सिस्टम में, जनरेटर को उतना ही लोड सप्लाई करना पड़ेगा, वरना हमारी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब करेगी. अब ये जो जनरेटर है इट इज़ रिवॉल्विंग विद सिंक्रोनस स्पीड और इसका एक इनर्शिया है. ठीक है, तो एक लॉ यहाँ पर आता है न्यूटन्स का जो इनर्शिया से डील करता है. मैंने पूछा वो कौन सा लॉ है जो न्यूटन का, कौन सा लॉ है जो इनर्शिया से डील करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. वेरी गुड. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डील्स विद दिस मोशन. ठीक है, तो कभी भी क्या होगा, जब आपका सडनली लोड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर वो भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होना है, लेकिन हमारा जो जनरेटर है, ठीक है, वो एकदम से उस मैकेनिकल पावर के चेंज को नहीं महसूस कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, और वहाँ पे जो लॉ गवर्न करता है वो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. बिकॉज अभी पढ़ाया मैंने कि हमारे पास क्या है, इनर्शिया कांस्टेंट. ठीक है, हमारे सिस्टम में क्या है, इनर्शिया. हमारे सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम है, हैवी
बहुत ज़्यादा भारी जनरेटर है जिसको जो सिंक्रोनस स्पीड से जब घूमता है, ठीक है, और सडनली अगर हम चाहें कि मैकेनिकल पावर को चेंज कर दें इलेक्ट्रिकल पावर चेंज करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए बाद में हमें कंट्रोल सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम व्हाट इज़ द बेसिक्स इन साइड अ जनरेटर, हम उसको आज देख रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए, कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी कि भाई लोड सडनली चेंज हुआ और जनरेटर को इलेक्ट्रिकल पावर उसी के अकॉर्डिंगली बनानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज सिस्टम के अंदर एक इनर्शिया है, तो इस चीज़ को गवर्न करती है एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं स्विंग इक्वेशन, ठीक है। तो द इक्वेशन गवर्निंग रोटर मोशन, यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन गवर्निंग रोटर मोशन इन अ सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड एज स्विंग इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, दिस इज नॉर्मल एक इक्वेशन है। ये आप बेसिक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, इट इज नथिंग मच, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, चेंज जे मल्टीप्लाइड बाय डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर का क्या मतलब है आपका, मोमेंटम। डी थीटा बाई डी टी इज द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो जे मल्टीप्लाइड बाई डी टू थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब है मोमेंटम, और इट इज इक्वल टू मैकेनिकल टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आपके पास है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं एज पर द अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसी हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या हमारी जैसी सिंक्रोनस मशीन है उसके अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन को चेंज करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डी टू थीटा एम डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, यह है एंगुलर मोमेंटम इन मैकेनिकल डिग्रीज, टी एम मैकेनिकल टॉर्क, टी ई इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंक्रोनस स्पीड इन मैकेनिकल रेडियंस है, तो सिंक्रोनस स्पीड इन मैकेनिकल रेडियन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई दोनों साइड। जब भी टॉर्क मल्टीप्लाई होती है सिंक्रोनस स्पीड इन मैकेनिकल रेडियंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैकेनिकल में चल रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली ओमेगा एस एम मल्टीप्लाइड बाई टी एम इज पी एम यानी कि मैकेनिकल पावर, ठीक है, और टी ई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एस एम वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। जो डिफरेंस होता है आपका मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर कितनी प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटिंग पावर, जिसको हम डिफाइन करते हैं पी ए से यहाँ पे, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पी एम जितनी मैकेनिकल पावर जनरेटर को मिली उसके अकॉर्डिंगली कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर ने बनाई, और व्हाट विल बी द डिफरेंस उसको हम बोल रहे हैं पी ए, ठीक है। इस तरफ जो है हमारे पास वही फॉर्मूला, हमने इसको इलेक्ट्रिकल रेडियंस में जब कन्वर्ट करना चाहा ओमेगा एस एम को, तो हमें करना पड़ेगा टू बाय पी से मल्टीप्लाई इसको, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने थीटा एम जो है इसको भी हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है, और उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा थीटा एम जो है आपका वो होगा टू बाई पी थीटा ई, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है हमारा कि जब भी हमारे पास मैकेनिकल में है कोई भी चीज़ और हमें उसे इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बाई पी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एस भी मैकेनिकल में है और थीटा भी हमारे पास मैकेनिकल में है, तो दोनों हमारे पास मैकेनिकल में है, हमें तो दोनों को टू बाई पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वही किया है यहाँ पर कि जो हमारा ओमेगा एस है एक बार टू बाई पी से मल्टीप्लाई किया, और एक बार थीटा एम है तो थीटा एम के लिए भी हमने टू बाई पी से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए टू बाई पी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास थीटा ई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये थीटा ई चेंज हो गया है, ठीक है। साथ में ये वॉट्स में था, ठीक है, जो भी पावर आएगी वो आपकी पहले न्यूटन मीटर में थी टॉर्क, और ये जो पावर थी वो वॉट्स में थी, ठीक है। नाउ ये जो पावर है वो हम मेगावाट्स में चाहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10^-6 से, ठीक है।
ये पूरी इक्वेशन जब हम 10^-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा मेगावाट में आ जाएगा, ठीक है। नाउ जो ये वाला पोर्शन है इसको आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। इस पोर्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस पोर्शन इज कंसिडर टू बी इक्वल टू कैपिटल एम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम इज इक्वल टू जे 2/पी स्क्वायर ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल इंटू 10^-6। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि ये वाली टर्म तो एम के बराबर है, तो कैपिटल एम डी टू थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर पी एम माइनस पी ई। एक इक्वेशन आपके पास फिलहाल इस तरीके की आ गई जो आप अब कंसिडर कर सकते हो कि नियरली क्लोज टू द स्विंग इक्वेशन, ठीक है। होता क्या है, ये हमारे पास एक सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो फ्लक्स हमारे सिंक्रोनस मशीन में जनरेट हुई है वो फ्लक्स रिवॉल्व करती है सिंक्रोनस स्पीड से। उस फ्लक्स वो फ्लक्स हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व करती है और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो रोटर है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये जो रोटर है और जो फ्लक्स है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज हमारा डेल्टा एंगल, टॉर्क एंगल और पावर एंगल, ठीक है। तो दिस इज ओमेगा एस टी, और ये जो हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा है ओमेगा एस टी, ये है हमारा सिंक्रोनस रोटेटिंग फ्रेम की वजह से, सिंक्रोनस टी रोटेटिंग फ्रेम की वजह से ओमेगा एस टी। और यहाँ पे ये जो थीटा ई है ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल एंगल मेड बाय द जनरेटर, तो जनरेटर का जो रोटर है, ठीक है, जनरेटर का जो रोटर है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, किसके बीच में, फ्लक्स के बीच में, फ्लक्स रोटेट कर रही है ओमेगा एस स्पीड पे, यानी कि सिंक्रोनस रोटेटिंग फ्रेम है उसके पास, ठीक है। अब उस सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम के हिसाब से आपका जो जनरेटर है उसका जो रोटर है वो एक इट इज़ हैविंग सम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है कुछ स्पीड से, ठीक है, और उसके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज डेल्टा, ठीक है। तो जब भी हमारी सिंक्रोनस मशीन बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड पे काम करती है तो ये डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है मैंने इसको क्या किया है, ओनली यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया दो बार, ठीक है। जब मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे, और फ्रॉम अबव, ठीक है, फ्रॉम अबव ये जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे एम के लिए एक वैल्यू डिफाइन कर रखी थी जी एच बाय पाई एफ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपने एक इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन करी थी एम डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई, यहाँ पे आप इन दोनों को चेंज कर दोगे, एम की जगह पे आ जाएगा जी एच बाय पाई एफ और डी टू थीटा की जगह पे आ जाएगा डी टू डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर। तो जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे अपनी इस वाली इक्वेशन में तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी, जी एच डिवाइडेड बाई पाई एफ डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई दैट इज इक्वल टू पी ए एक्सेलरेटिंग पावर इन मेगावाट। और ये जो इक्वेशन है अब आपकी फाइनली इन टर्म्स ऑफ योर सिंक्रोनस जनरेटर वो आपकी यहाँ पे कंसिडर होगी एज अ स्विंग इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसको पर यूनिट में चाहते हो रिजल्ट को तो आप इस पूरे रिजल्ट को जी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब ये पूरा रिजल्ट जी से डिवाइड हो जाएगा यानी कि बेस एम वी ए से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो बेस एम वी ए से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई पाई एफ डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, ठीक है। किसी को कोई डाउट, सो दिस इज द फाइनल स्विंग इक्वेशन इन पर यूनिट एंड ये वाली जो स्विंग इक्वेशन है ये आपकी मेगावाट में है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डेली ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आप इसको फ़ोन पे खोल सकते हैं, ठीक है, थीके? और आप इसको एक बार गो थ्रू करो, रीड करो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता कहीं पर भी, ठीक है, देन यू विल आस्क मी। ओके ओके सर।